बॉलीवुड की अब तक की सबसे जानी मानी एक्शन सीरीज रही है धूम सीरीज, जो कि आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म यशराज के बैनर तले बनती है और इस फिल्म के 3 पार्ट अब तक सिनेमाघरों में लग चुके हैं और तीनों को ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, जिनमें से पहले पार्ट में जॉन ब्राइन ने एक विलन का किरदार निभाया था तो दूसरे पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि ऋतिक रोशन ने विलन का पार्ट निभाया था। और वहीं तीसरी बार आमिर खान, जो कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने ये विलन की भूमिका निभाई थी। और अब चौथे पार्ट यानी कि धूम 4 की बातें 1 साल से चल रही है और अब काफ़ी बड़े सितारों का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर शाहरुख खान को धूम 4 के अंदर फिक्स बताया था, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि सलमान खान को भी इस फिल्म में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इससे कई बार कई नाम जुड़ चुके हैं। दोस्तों इसके साथ ही अजय देवगन का भी नाम काफ़ी बार जोड़ा गया है, क्योंकि अजय देवगन का नाम एक कॉप के लिए जोड़ा गया था। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या अजय देवगन एक कॉप बनते हैं या फिर विलन। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब अभिषेक बच्चन इस फिल्म में हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन इस सीरीज़ का पार्ट अब नहीं रहेंगे, क्योंकि धूम 4 के लिए अब नेक्स्ट लेवल एक्शन होने वाला है और अब ऐसे में शाहरुख खान और अजय देवगन का नाम फाइनल दिखता है। दोस्तों लेकिन अभी तक ये बात आगे नहीं आई है कि शाहरुख खान ही इसमें विलन होंगे या फिर एक कॉप के अंदाज में नजर आएंगे, या फिर अजय देवगन इसमें विलन होंगे या फिर एक कॉप के अंदाज में आप लोगों को नजर आएंगे। अब ये तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आदित्य चोपड़ा क्या स्टार कास्ट चूज करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान और अजय देवगन दोनों को किस किरदार में सामने आना चाहिए? अब आपको अगर कोई और धूम 4 में चाहिए तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको बॉलीवुड की खबर सबसे पहले।